के वीडियो में हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर समझेंगे, जिसमें कि क्या है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमें सबसे पहले इस बात का गर्व होना चाहिए कि जैसे ही हम आजाद हुए तो हमारे देश में क्या है, एक डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की व्यवस्था, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे देश में क्या है, एक लोकतांत्रिक की स्थापना की गई। हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे जो रिलेशन है, मतलब जो रिलेशन है एक आम पब्लिक का किसमें, तो डिसीजन मेकिंग में जो उनका पार्टिसिपेशन होता है, और जो भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो हम इसे इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में, जैसे ही हमारी कंट्री 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो जितने भी सीनियर लीडर्स थे, या जिसे हम कहें कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे उस टाइम पे, तो उन सब ने क्या डिसाइड किया है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, तो फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट होगी। जो हमारा पार्लियामेंट है वो किस बेस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो काम करता है कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल बेस पे। हमारा पार्लियामेंट क्या करता है, तो काम करता है। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो सबको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए ये डिसाइड किया गया कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। जो किसके द्वारा चुनी जाएगी, तो आम जनता के द्वारा चुना जाएगा। आम जनता के पास इस चीज का पूरा अधिकार रहेगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, यानी कि आम आदमी को इस चीज का अधिकार दिया गया कि वो स्वतंत्र रूप से अपने नेतृत्व करने वाले, यानी कि अपने लीडर्स को वो क्या कर सकते हैं, तो वोट दे करके चुन सकते हैं। और जो लीडर्स इलेक्शन जीत करके आएगा तो वो किस क्या करेगा, तो अपने पब्लिक का रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पे, तो पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से क्या है, एक आम आदमी क्या करता है, तो जो डिसीजन मेकिंग होता है तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम आगे, हमारा जो इसमें जो पहला जो टॉपिक है, यानी कि पहला जो हमारा हेडिंग है वो यही है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोग फैसला क्यों लेते हैं, यानी कि क्यों लोगों को फैसला लेने की जरूरत पड़ती है। फिर अगर हम यहाँ पे अभी देखें जो पार्लियामेंट की जो यहाँ पे फिगर्स दिखाई हुई थी, जैसे यहाँ पे जो पार्लियामेंट का यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया, तो पार्लियामेंट के पिलर के पास, पिलर की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक की इमेजेस बना के दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट बैठ करके डिसीजन ले रही है तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो पब्लिक का, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसका पिलर किसे बनाया गया है, तो एक मतलब जो पब्लिक्स हैं तो उनको पार्लियामेंट का पिलर्स के रूप में रखा। क्यों? क्योंकि जो भी हम जिस भी लीडर को इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम चुनते हैं, वो हमारा ही रिप्रेजेंट करता है। कहाँ? तो पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए जो पार्लियामेंट जिस पिलर पे टिका हुआ है वो किस पे टिका हुआ है, तो जनता पे टिका हुआ है। तो क्यों? क्योंकि जनता के पास ये अधिकार दिया है कि वो स्वतंत्र रूप से होगी और समानता रूप से क्या, वो अपने लीडर्स को, यानी कि प्रतिनिधित्व को क्या कर सकता है, तो चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है, एक्स पर्सन एक रिच पर्सन है और वाई पर्सन एक पुअर पर्सन है, और ये अगर अपने अपने अगर ये अपने लीडर्स को एक वोट देगा तो उसकी वैल्यू 5 मानी जाएगी, और ये अगर अपने लीडर्स को वोट देगा तो इसकी एक वोट की वैल्यू 1 ही मानी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में क्या है, हर एक आदमी, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करता हो, सबकी जो वोट की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल रखी गई है। तो इसीलिए हम जो वोट, राइट टू वोट की जो बात करते हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे है, तो राइट टू इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट पे, कि हर एक आदमी की जो वोट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो एक ही रहेगी।
तो इस तरीके से क्या है, हर एक आदमी को स्वतंत्र होके और समानता के आधार पे क्या है, वोट देने का अधिकार दिया है कि वो स्वतंत्र होके यानी कि बिना किसी के दबाव में आकर के वो अपने इच्छा के अनुसार अपने लीडर्स को क्या कर सकता है, तो चुन सकता है। तो इस चित्र में इसीलिए पब्लिक को क्या है, तो पार्लियामेंट के पिलर्स की जगह पे दिखाया गया, यानी कि इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्लियामेंट के जो पिलर्स हैं तो वो पिलर्स कौन है, तो एक आम आदमी यानी कि जो आम जनता है किसी भी कंट्री की, तो वो पार्लियामेंट की पिलर्स होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारे जो हमारा संसद है, तो उसके अगर हम चार स्तंभ की बात करें, तो उसमें एक पहला आता है हमारा लेजिस्लेटिव, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है हमारा जुडिशरी और चौथा आता है हमारा मीडिया। तो ये चार हमारे मतलब इन चारों को क्या माना जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चार स्तंभ माने जाते हैं। तो ये चीज हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से लोग क्या करते हैं, तो फैसला लेते हैं। जब हमारी कंट्री गुलाम थी किसके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जब हमारी कंट्री क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलाम थी, तो उसी टाइम सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी कि जो विधायिका है यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है, उसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या होगा, बाय इलेक्टेड होगा, ना कि किसी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया मेंबर होगा। यानी कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे या जो मेंबर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये डिमांड रखी कि जितनी भी जो विधायिका है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो चुने हुए मेंबर्स होंगे, यानी कि जिसे वोट देके चुना गया हो उस वो मेंबर होंगे, ना कि वो मेंबर जिसे नियुक्त किया गया हो। तो इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसको 1909 में, इसको इम्प्लीमेंट मतलब 1909 में क्या है, तो जितने भी जो मेंबर्स थे उन्हें क्या है, तो इलेक्टेड मेंबर्स चुने गए थे किसमें, तो 1909 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में। तो हमारे लाइफ में क्या है, तो पार्लियामेंट एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं, तो उनको चुनने में हमारा रोल क्या है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमारे द्वारा जो भी लीडर, क्योंकि उसमें जो भी लीडर्स चुने हुए होते हैं, डायरेक्ट किसके द्वारा चुने हुए होते हैं, लोगों पीपल्स के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, या हम कहें कि जो हमारा लोकतंत्र व्यवस्था है, उसे एक यानी कि जनता की सरकार यानी कि जनता का शासन माना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। यानी कि जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है, तो उसे क्या कहते हैं कि वहां पे एक जनता का शासन होता है। फिर यहाँ पे जैसे एक छोटा सा ईवीएम के बारे में बताया गया है कि आज से जब हम बात करें, किससे, आज से हम अगर 18 साल पहले की बात करें, तो क्या है, यानी कि सन 2004 से पहले क्या था, तो हम इलेक्ट्रॉल पेपर का यूज करते थे किसमें, तो वोटिंग देने के लिए। तो जहाँ पे क्या है, एक बॉक्स होते थे, उसी के पास में स्टंप बने हुए कुछ पेपर्स होते थे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल होते थे, और उसमें हम अपने इच्छा के अनुसार स्टंप लगा करके इस बॉक्स के अंदर डालते थे, और जिस सिंबल पे स्टंप ज्यादा होता था उसे हम क्या करते थे, मतलब विनर घोषित कर देते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या, वोटिंग के लिए यानी कि इलेक्शन के टाइम पे हम किस मशीन का यूज करते हैं, ईवीएम मशीन का यूज करते हैं। तो 2004 में हमने फर्स्ट टाइम क्या किया था, तो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया था। तो उस हमने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल इसलिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि कागज बनाने में क्या है, तो जो कागज जो बनते थे वो किससे बनते थे, पेड़ को से, यानी कि पेड़ को कटिंग करने के बाद उसका पेज बनाया जाता था। तो हम पेड़ की कटाई को रोकने के लिए अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने एक अल्टरनेटिव निकाला ईवीएम मशीन का, जिसमें क्या है, हम बाई डिजिटल रूप में क्या कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट को उनके सिंबल के अकॉर्डिंग इलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो होता था वो किस पे होता था, तो प्रिंटिंग ऑफ बैटर पेपर्स पे होता था, जिसमें कम से कम 8,000 टन पेपर की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसमें हम बहुत से पेड़ काटे जाते थे। जब से हमने ईवीएम मशीन स्टार्ट करना
यूज करना सीखा है, तो हमने कितना करीबन 1,50,000 पेड़ को हमने सेव कर रखा है, मतलब सेव कर लिया है। तो इसलिए हम 2004 में फर्स्ट टाइम से ईवीएम मशीन को यूज करना शुरू किया। यहाँ से एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हमने फर्स्ट टाइम ईवीएम जो मशीन है वो किस ईयर में यूज करना स्टार्ट किया था। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है कि जो पब्लिक है वो किस तरीके से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं या किस तरीके से वे फैसला लेते हैं, ये समझते हैं कि इसमें क्या है। सब जो जो हमारे लीडर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, तो वो किसके द्वारा चुने हुए जाते हैं, तो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा ही चुने हुए रहते हैं। किसके द्वारा इलेक्टेड रहते हैं, वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रहते हैं। इसलिए जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो अपन जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिक को क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट में रहते हुए अलग अलग प्रोमिसेस करते हैं कि यदि पब्लिक उन्हें इलेक्ट यानी कि चुनाव में जिताती है तो वो जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो किस किस सेक्टर में जाकर के काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यहाँ पे एक एक्स पार्टी है, एक वाई पार्टी है और एक जेड पार्टी है, और इलेक्शन के टाइम पे क्या है, हर एक पार्टी अपने अनुसार क्या करता है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, तो प्रोमिसेस करता है। जैसे कि जो एक्स पार्टी है वो ये कहता है यदि एक्स पार्टी जीत करके पार्लियामेंट में जाएगी तो क्या करेगी, पब्लिक के लिए क्या करेगी, जो बिल होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो क्या कर देगी, फ्री कर देगी। एजुकेशन सिस्टम में वो क्या करेगी, इम्प्रूवमेंट कर देगी। एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सेक्टर में वो क्या कर देगा, तो उस वो सारी चीजें वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा। यहीं पे जो वाई पार्टीज है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि हमारी गवर्नमेंट अगर चुन इलेक्शन जीतेगी तो वो क्या कर देगी, तो जॉब की वैकेंसी बढ़ा देगी। और वाई जो पार्टी, अगर जेड पार्टी की बात करें, वो ये प्रोमिसेस करता है कि यदि उसकी गवर्नमेंट जीत के आएगी तो वो क्या करेगा, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन को इम्प्रूव करेगा। तो हर एक पार्टी पब्लिक के इंटरेस्ट में रहते हुए क्या करती है, पब्लिक से प्रोमिसेस करती है और पब्लिक के इंटरेस्ट में रहते हुए ही वो काम करते हैं। इस तरीके से पीपल क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। क्यों, क्योंकि जो भी लीडर्स चुने हुए रहते हैं वो किसके द्वारा चुने हुए रहते हैं, तो पब्लिक के द्वारा चुने हुए रहते हैं। जिस इसीलिए जो वहां पे जो लीडर्स होते हैं वो सारा काम वही डिसीजन लेते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। तो इस तरीके से जो होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाता है, किसका, तो पब्लिक का देखने को मिल जाता है। अब अगर हम अपना अगला टॉपिक देखें, तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि किस तरीके से लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हुए, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। यानी कि जो भी जो पीपल होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जिसे हम एमएलए एमपीस कहते हैं, एमएलए या एमपीस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा संसद है, जो हमारा संसद है वो तीन चीजों को मिलाकर के बनता है। पहला है लोकसभा, जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, ओ सॉरी, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस। फिर है राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस। तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट। यानी कि ये तीनों जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा संसद बनता है। तो जो हमारा लोकसभा है इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट किसके द्वारा चुने हुए होते हैं, तो पब्लिक के द्वारा चुने हुए होते हैं। और इसे हम लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यदि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूफ ना कर पाई तो गवर्नमेंट वहीं पे डिजॉल्व हो जाती है, जबकि हमारी जो राज्यसभा है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर एक 5 साल में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब हमारा एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि किस तरीके से यदि हम बात करें डेमोक्रेसी में,
डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, लोगों को यानी कि व्यक्ति या नागरिक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो प्रतिनिधित्व होते हैं यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं? वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ? तो संसद में हुए तो प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में क्या है, जनता के द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधित्व के इस समूह को ही क्या कहते हैं? तो संसद कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं हम? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो, या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, अगर हम डायरेक्ट बात करें तो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर या प्रेसिडेंट, कोई भी हो, वो डायरेक्ट किसके द्वारा चुना, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में किसके द्वारा चुना जाता है? तो पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं एमएलए की, मान लीजिए हमारे कंट्री में टोटल 545 सीट्स हैं, जिसमें से जिसकी भी 51% या 51% से ज्यादा सीटें जीत के आती हैं तो वो क्या बनाती है? अपनी गवर्नमेंट बनाती है। वो क्या बनाती है? गवर्नमेंट। तो जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही इलेक्टेड मेंबर किसको चुनते हैं? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्टली में क्या हो गया, तो जो एमएलए जीत करके आए थे और जो जो एमएलए यानी कि जिस एमएलए ग्रुप ने मिलकर के 51% से ज्यादा सीटें पार्लियामेंट में जीता था, तो जैसे ही उसकी गवर्नमेंट बनी तो उसमें उन उसके जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर थे वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इनडायरेक्टली वे में देखें तो किसके द्वारा प्रेसिडेंट चुना जा रहा है? जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इलेक्टेड मेंबर यानी कि जिसको जनता ने चुना है। तो जिसे पब्लिक ने चुना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो पब्लिक का क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक ये एक्स पर्सन है वो किसी भी एक प्लेस से, दिल्ली के किसी भी एक प्लेस से जीत करके जब वो पार्लियामेंट में जाएगा, और जैसे ही वो पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो यानी कि वो समझिए कि वो उस अपने एरिया के पब्लिक जो उस इसके मतलब एक्स एमएलए के जो एरिया के जो वो मतलब एक्स एमएलए है वो अपने एरिया के पब्लिक को क्या कर रहा है, तो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही ये प्राइम यानी कि जैसे ही ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इनडायरेक्टली में क्या होगा, तो वो अपने पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, या तो अप्रत्यक्ष रूप से या तो प्रत्यक्ष रूप से, कहे तो या तो इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली। तो इसलिए पार्लियामेंट में हम कहते हैं कि जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो पब्लिक यानी कि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, और उसी ग्रुप को क्या कहते हैं हम? पार्लियामेंट कहते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि हमारे पार्लियामेंट में एक कोई भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में टोटल दो हाउसेस हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, जिसे हम अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पार्लियामेंट में कौन सा हाउस है जो डिजोल्व हो सकता है या हो जाता है, तो वो है हमारा लोकसभा। और राज्यसभा कभी भी हमारा डिजोल्व नहीं होता, इसका रीजन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारा जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व क्यों नहीं होता है। यदि हम बात करें रोल ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि पार्लियामेंट किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो एक पार्लियामेंट का फिगर्स दे रखा है, ये हमारा पार्लियामेंट है जो कि अभी न्यू बिल्डिंग बन रही है, और ये अंदर की उनकी सीटें हैं जहाँ पे हमारे मिनिस्टर से बैठ करके हमारे इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, तो पॉलिसीज बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाउ द रोल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। यदि हम अपने देश की बात करें, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें क्या है कि सर्वोच्च कानून निर्माण, मतलब हमारे कंट्री में जो लॉ बनाने की जो सबसे बड़ी, एक तरीके से कहे जो सबसे बड़ा स्थान है, वो क्या है, हमारा पार्लियामेंट है। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है कि जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो संसद कहते हैं, वो क्या है, एक सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसमें क्या है, दो हाउसेस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है, 245, जिसमें कि, और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। अब बात करें लोकसभा में, लोकसभा में टोटल कितने सीटें हैं, 545, और वो किसके द्वारा प्रेसिडाइज किया जाता है, तो स्पीकर के द्वारा प्रेसिडाइज किया जाता है। और हम अगर इसकी अब भूमिका की बात करें, तो भूमिका की बात करें तो इसमें क्या है, तो जो हमारा संसद है वो क्या करता है, एक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर जो, जैसे कि हम बात करें कि संसद की जो भूमिका है, तो पहली जो इसकी भूमिका बात करते हैं वो क्या होता है, राज्य सरकार का चुनाव कराना, यानी कि हर एक स्टेट का इलेक्शन कराना, यानी कि इलेक्शन, डायरेक्ट बात करें तो इलेक्शन, चाहे वो हम सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें। वैसे हमारी कंट्री में तीन तीन लेवल पे गवर्नमेंट होती है, एक होती है नेशनल लेवल पे, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, नेशनल लेवल जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है हमारा स्टेट लेवल, स्टेट लेवल जिसे हम राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार। तीसरा होता है हमारा लोकल लेवल, लोकल लेवल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि पंचायत हो गया, जिसे हम सरपंच या पंचायत होता है, और सिटीज की बात करें तो म्युनिसिपल पैलेटीज, यानी कि हमारा जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच या पंचायत, और अगर हम सिटीज की बात करें तो म्युनिसिपल पैलेटीज। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो इन तीन लेवल पे आकर के काम करती है, जिसमें क्या है, और इन तीनों में जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो किसके द्वारा ही चुने जाते हैं, तो पीपल के द्वारा ही चुने जाते हैं। जब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एकदम जो छोटे स्तर पे जो चुने जाते हैं, जो सरपंच होते हैं या पंचायत होती है, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें भी पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए हम लोकल गवर्नमेंट को अक्सर कहते हैं ग्राउंड, मतलब ग्रास रूट गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि नेशनल पार्टीज, जैसे कि हम बात करें नेशनल पार्टी में आता है हमारा एक बीजेपी, CPI, CPM, CIECS, सॉरी ICS, INC, JNP और LKD। तो ये सारे हमारे क्या हैं, तो हमारे नेशनल पार्टीज हैं। और अगर हम स्टेट पार्टीज की बात करें, तो स्टेट पार्टीज में क्या क्या आता है हमारा, जैसे कि ऑल इंडिया है ना, DMK, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें तो DMK हो गया हमारा, फिर FBL हो गया, ICJ, ये सब हमारी क्या है, तो हमारी स्टेट पार्टीज हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि स्टेट पार्टी और लोग जो नेशनल पार्टी है उसमें क्या अंतर है। तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में यही अंतर है कि जो स्टेट पार्टी है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में ही अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, या वो एक ही स्टेट के लेवल पे ही वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। सीधा सीधी हम सब बात करें तो जो पार्टीज क्या है, सिर्फ इलेक्शन यानी कि स्टेट लेवल पे ही क्या करे, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसे हम कहते हैं स्टेट पार्टी। और जो नेशनल यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जितनी भी जो पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती है, तो हम उसे कहते हैं नेशनल पार्टी, यानी कि जो एक से ज़्यादा स्टेट में क्या करती हैं, तो इलेक्शन लड़ती हैं। तो ये थोड़ा सा पुराना डाटा है,
अगर आज के टाइम पे अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी क्या है, एक नेशनल पार्टी इसके रूप में है, क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट है वो एक से ज़्यादा स्टेट में है, जैसे कि पंजाब हो गया और दिल्ली हो गया। तो इस तरीके से तो हमारे जो पार्लियामेंट में जितने भी जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब यहाँ पे बात होती है जो आता है नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार। वो क्या, जो भी वो जो पॉलिसीज बनाएगा, वो अब जो भी अपने एरिया के अंदर वो जो पॉलिसीज बनाएगा वो पूरे देश पे लागू होगा। जैसे कि बात आएगी सिक्योरिटी के पर्पज से, वो जो भी कानून बनाएगा वो पूरे देश पे लागू होगा। तो जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो दो, यानी कि वो कहाँ बैठ के काम करती है, तो हमारे संसद में बैठ करके काम करती है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इन सब का जो इलेक्शन है, जो इलेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो पब्लिक के द्वारा ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे चुने हुए जाते हैं। जब हम राज्य लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो 543 है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जो दो जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो जो हर एक स्टेट के 272 जो वो मेंबर्स होते हैं उसमें से क्या है, 12 मेंबर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, बाकी वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब बात करते हैं मेजोरिटीज पार्टी और अपोजिशन के बारे में। आखिर मेजोरिटी पार्टी कहते किसे हैं और जो अपोजिशन है वो कहते किसे हैं। मेजोरिटी पार्टी हम उसे ही कहते हैं जिसे इलेक्शन के टाइम पे 51% से ज़्यादा वोट मिलती है और वो कंट्री में अपनी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उसे हम कहते हैं मेजोरिटी पार्टी। और ऑपोजिशन किसे कहते हैं, जब जो जो पार्टी क्या है 50% क्या है, 50% से भी ज़्यादा, जब 50% से कम या उससे थोड़ा कम वोट मिलता है तो वो उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी कहते हैं। अपोजिशन पार्टी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। वो क्यों, क्योंकि जो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो जब कोई डिसीजन लेती है तो उसका उसमें जो भी कमियां होती है वो कौन निकालती है, तो अपोजिशन पार्टी ही निकालती है। इसलिए जब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो अपोजिशन है वो क्या करती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करती है, बाउंड्री के अंदर रह करके भी काम करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी को इलेक्शन में 182 वोट्स मिले, जबकि एक पार्टी को 14, फिर हम अगर बात करें सीपीएम की 33 और कांग्रेस को 144। तो यहाँ पे जिस पार्टी को 51% या उससे ज़्यादा वोट मिल जाती है वो क्या हो जाती है, हमारी मेजोरिटी। और जिसको भी 50% या 50% से कम वोट मिलती है उसे हम कहते हैं अपोजिशन। तो ये सारे पार्टीज क्या हो गए, अपोजिशन। तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी तो पार्लियामेंट में जब डिबेट सेशन होगा तो उसमें बैठ करके वो पॉलिसीज की क्या करेंगे, जो भी कमियां हैं उसको वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि इस ये जो पॉलिसी है इसमें ये कमियां है। अगर हम आगे देखें, अब जैसे कि हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है, अपनी पार्टी के यानी कि लोकसभा जो है उसका, लोकसभा में पार्टी का हेड होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को हम क्या मानते हैं, पार्टी का हेड मानते हैं, क्या मानते हैं, हेड। और जो हमारा, जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पे वो भी क्या होता है, पार्टी का हेड होता है। और अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री का हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। और लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर। और राज्यसभा का हेड कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या करता है, अपने ही पार्टी से क्या करता है, बिलोंग करता है। हम जो भी हमारे द्वारा एमपी चुने जाते हैं या एमएलए चुने जाते हैं
जिस पार्टी से जो एमपी और एमएलए जीत करके आते हैं, यानी कि जो भी पार्टी से ज्यादा एमएलए जीत करके आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने पार्टी के लिए एक लीडर को चुनते हैं। अगर नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसे उसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यही चीज अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो उसमें हो जाता है हमारा चीफ मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर सब होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग एरियाज में उन्हें उनका एक पद दे दिया जाता है, यानी कि उनका एक एरिया दे दिया जाता है। जैसे किसी को क्या बनाया जाता है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, या किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, या किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा जो इस तरीके से हमारी कंट्री में क्या है, एक नेशनल लेवल पे पार्टीज पब्लिक के इंटरेस्ट में रहते हुए क्या करती है, काम करती है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। अब कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जब कोई भी यानी कि जो ज्वाइन टुगेदर विच अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आर इंटरेस्टेड इन अ सिमिलर कोलिशन टू फॉर्म ऑफ द नॉ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि जब दो पार्टी मिल करके एक पार्टी, यानी कि जिसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार, अगर हम जिसे डायरेक्टली तौर पे कहें गठबंधन की सरकार, हम उसे कहते हैं जब दो पार्टी आपस में मिल करके क्या करती है, एक सिमिलर कंसर्स पे मिलकर क्या करती है, वो अपनी सरकार बनाती है, तो उसे हम कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, तो कोलिशन यानी कोलिशन गवर्नमेंट हम उसे कहते हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार हम उसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये राष्ट्रपति भवन है, और यहाँ पे हमारा ये सारी क्या, हमारे राष्ट्रपति भवन है। तो राज्यसभा का जो फंक्शन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसे नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, फिर हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।